तो सिंगरौली एनसीएल मुख्यालय के अंतर्गत झिंगू रदा प्रोजेक्ट में ओबी हटाने के काम पर रही सिक्कल लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर आरोप लगा है। आरोप है कि मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, जहां लगभग 15 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने अपने लेटर पैड पर कई मांगों को लेकर प्रशासन और एनसीएल मैनेजमेंट को बताया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष प्रवीण तिवारी और मंडल महामंत्री विनोद कुरुवंशी ने कंपनी के श्रमिकों को साथ लेकर सिक्कल लॉजिस्टिक कंपनी के गेट पर जाम कर दिया। इसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने श्रमिकों से एक हफ्ते का वक्त मांगा है। आज जैसे जानकारी मिली इस आंदोलन के संबंध में, मैं मरवा के टीआई साहब और यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति हैं और पार्षद जी आदि के साथ में कंपनी के प्रबंधन के साथ में चर्चा किया। उन्होंने एक सप्ताह का समय मांगा है, बुधवार के पहले समस्या का निदान करने की कोशिश की है और जो इनके स्तर की निदान है वो मांगे इन्होंने मान लिया है और बाकी जो इनके स्तर की नहीं है, जो इनके हेडक्वार्टर स्तर का है, अपने हेडक्वार्टर के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे इन्होंने बात किया है और उसका जो निदान है, जैसे कुछ संडे वाली बात है, एक सप्ताह के भीतर करने का आश्वासन दिए हैं और ऐसा विश्वास है कि जो भी मांगे हैं जायज है और इसका निदान एक सप्ताह में। तो नरसिंहपुर जिला मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सुरेंद्र राय के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। फसलों के नुकसान के कारण किसान जिस कारण आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं, किसानों को उनकी फसलों का उचित मुआवजा और कर्ज माफी को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया। एक बात परिस्थिति आज ये है कि किसान अवसाद में आ गया है और इस अवसाद से निकालने